नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो को ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड अत्यधिक बढ़ गए हैं। हमारे कई भाइयों का फ़ोन आता है कि आज मेरे साथ इतने रुपए का फ्रॉड हो गया, आज मेरे साथ इतने रुपए का फ्रॉड हो गया। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए मैं ये वीडियो YouTube में अपलोड कर रहा हूँ आप सभी की अवेयरनेस के लिए, ताकि आप सभी लोग ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने जानने वालों को इस फ्रॉड से बचा सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड कितने प्रकार से आजकल हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फ्रॉड हुआ करता था, उसमें आपको फ्रॉडेंट के कॉल आते थे। वो आपको बोलता था कि मैं इस फला फला बैंक से बात कर रहा हूँ, बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूँ, और आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, तो आप इसकी डिटेल मुझे दीजिए जिससे कि आपके एटीएम कार्ड को हम एक्टिवेट कर दें। तो इस तरीके से कई लोग उसके झांसे में आ जाते थे और अपनी डिटेल दे देते थे, तो वो फंस जाते थे, उनके साथ फ्रॉड हो जाता था। अब दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो वैसे वैसे ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके भी बदलते गए। आज की डेट में दोस्तों, जो फ्रॉड हो रहा है उसमें क्या होता है कि जैसे कि OLX के फ्रॉड हैं। OLX में आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट डाली है अपनी कार की, बाइक की, कुछ भी, तो दोस्तों उसमें कुछ फ्रॉड लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि जब आप उनसे सामान खरीदने के लिए बात करते हैं या वो आपसे सामान खरीदने के लिए बात करते हैं, तो वो हमेशा आपको ये बोलते हैं कि आप पेमेंट के लिए हम आपको कोई लिंक भेज रहे हैं, कोई QR कोड भेज रहे हैं, तो इससे पेमेंट हो जाएगी। बट जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करते हैं या उस QR कोड को ओपन करते हैं, तो दोस्तों वो आपको सीधे UPI इंटरफेस पे लेके जाता है, जहाँ पर आप अपना पिन डालते हैं। आपको ये लगता है कि वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, बट नहीं, वो पैसा आपके अकाउंट से जाएगा और आपके अकाउंट खाली हो जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बस आपको फ्रॉड जो जिसने किया है उसे आप पकड़ नहीं सकते। फिर आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस चौकी में जाएं और वहाँ पर इस फ्रॉड के रिगार्डिंग आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। तो दोस्तों, जैसे कि OLX फ्रॉड है, ये होता तभी है जब आप सामने वाले को एंटरटेन करते हैं, अदरवाइज फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन OLX से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो अपने आसपास की ही चीज़ें खरीदें, ज़्यादा दूर की चीज़ों को खरीदने के लिए ना बात करें। अगर बात भी कर रहे हैं तो कम से कम आप मिलने के बाद वेरीफाइड यूज़र्स होने चाहिए OLX में, वो उसके बाद उनसे मिलें, मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया करें। ऑनलाइन कोई भी पैसा आप ना जमा करें, कोई भी QR कोड, कोई भी लिंक अगर ऑनलाइन आपको भेज रहा है तो आप उसको ना टच करें, जिससे कि आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों, तो आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि इस फ्रॉड से बच सकें। आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो कोई भी जो ऑनलाइन फ्रॉड है, जब तक आप एंटरटेन नहीं करोगे तो फ्रॉड नहीं होता। तो दोस्तों, आपको इससे बचना है, किसी भी प्रकार के लालच में ना आए, आपको लालच में नहीं आना। देखिए, अधिकतर मैंने सुना है कि 2 लाख की बुलेट बाइक डाल रखी है जो आपको वो 70,000 रुपये में दे रहा है। आप खुद सोचिए कि 1 साल पुरानी बाइक या 6 महीने पुरानी बाइक 2 लाख रुपये कीमत की कोई 70,000 रुपये में क्यों देगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक फ्रॉड करने का तरीका है, आपको लालच दिलाने का तरीका है, ताकि आप उस लालच में आ जाएं, आप पैसा ट्रांसफ़र कर दें। तो दोस्तों, इससे आप ही का नुकसान होना है। मेरे खुद के मित्र के साथ ये हो चुका है, 40,000 रुपये उसने गवाए हैं अपने। तो दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले ध्यान रखें, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करें। ट्रांजेक्शन्स अगर जो भी करनी है तो प्रॉपर वे पे होनी चाहिए। आप मिलिए सामने वाले से, उसकी चीज़ देखिए, परखिए, उसके बाद जाके आप परचेस कीजिए। ऑनलाइन कोई भी लिंक टच नहीं कीजिए, कोई भी QR कोड आपको भेजे तो आप उसको नहीं ओपन कीजिए।
आप साफ मना कीजिए, इससे आप फ्रॉड से बच सकते हैं। बाकी पुलिस प्रशासन है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप वहाँ पर जाके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए ताकि वह ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।